प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का देहावसान हो गया है। छियासी साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। रतन टाटा भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किस्से आज भी चर्चा में हैं। बिहार के सीएम रह चुके लालू प्रसाद यादव और रतन टाटा का एक ऐसा ही किस्सा है। ये बात 1993 की है, जो बिहार और झारखंड मिलकर एक संयुक्त राज्य थे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कंपटीशन में फेल होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तब उनका एडमिशन जमशेदपुर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में टाटा कंपनी के कोटे से हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहीं ना कहीं रतन टाटा की भूमिका रही थी। लालू यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य के एमजीएम कॉलेज में एडमिशन पर विवाद हुआ था। सुरक्षा का हवाला देते हुए मीसा भारती का ट्रांसफर बाद में पटना के मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया। उस समय राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। तब मीसा भारती के पीएमसीएच में ट्रांसफर होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। आरोप लगा था कि सरकार के प्रभाव में यह ट्रांसफर किया गया है। मीसा भारती बिना कंपटीशन पास किए ही बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने लगी थी।